कहते हैं कि हम इंसान जितनी भी मेहनत करते हैं वो इस पापी पेट की खातिर करते हैं, ताकि हम अपनी पसंद का खाना खा सकें। लेकिन कई दफा हमारी ये पसंद हम पर ही भारी पड़ जाती है और उसका नतीजा होता है मोटापा और तमाम दूसरी बीमारियाँ। ऐसे में हम अपनी पसंदीदा चीजों से ना चाहते हुए भी दूरी बनाने को मजबूर हो जाते हैं। और केवल हम आम लोग ही नहीं बल्कि विराट कोहली जैसे सेलेब्स भी ये करने के लिए मजबूर हैं। जी हाँ, विराट कोहली ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। विराट ने कहा कि उन्होंने 3 साल से दाल मखनी और बटर चिकन को हाथ तक नहीं लगाया है। ये किसी भी नॉर्थ इंडियन की सबसे फेवरेट डिशेज में से एक होती है। एक प्री मैच शो में विराट ने ये खुलासा किया। पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखने वाले और खाने के बेहद शौकीन विराट की फिटनेस के प्रति दृढ़ता गजब की है। कई साल पहले अपनी खराब आदतों और अस्वस्थ जीवन शैली के बाद 28 साल के विराट ने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया और स्वास्थ्य के लिए खराब खाने को छोड़कर प्रोटीन डाइट को अपना लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनका मेटाबॉलिज्म इस तरह का है कि ये सामान्य से दोगुना नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उन्हें जंक फूड और फैट बढ़ाने वाले खाने को छोड़ना पड़ा, जिसमें दाल मखनी और बटर चिकन भी शामिल है। चावल और चिप्स के बजाय वो व्हीट क्रैकर्स, सालमन और सुशी जैसे प्रोटीन फूड खाते हैं। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि विराट फ्रांस से आया हुआ स्पेशल पानी भी पीते हैं। विराट ने इंटरव्यू में कहा था, 3 साल से मैंने दाल मखनी और बटर चिकन नहीं खाई है। मैं समझ चुका हूं कि ज्यादा जरूरी क्या है। आपको बता दें कि विराट कोहली न सिर्फ अच्छे क्रिकेट की वजह से युवाओं में खासे मशहूर हैं, बल्कि अपनी फिटनेस के लिए भी वो यूथ आइकन हैं।